नवप्रभात मिशन अपना 21वां फाउंडेशन डे मना रहा है। इस दौरान आज नवप्रभात स्कूल में हुए कार्यक्रम में बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया था। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने अलग अलग तरह के आकृतियां बनाई थी, साथ ही लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की थी। कोई पेंटिंग कर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था तो कोई सोलर सिस्टम बनाकर ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है। बच्चों ने सोलर सिस्टम के साथ साथ मिसाइल, वॉल्केनो, हट और कई तरीके के सामान बनाए थे, जिनमें से अगर हम बात करें सबसे आकर्षण का केंद्र, तो सबसे आकर्षण का केंद्र एक कार बनाया था जो एक 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने डिज़ाइन किया। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस कार को चलाया जाता है। इस कार के अंदर वो उपकरण लगाए गए हैं जो मोबाइल से कंट्रोल होता है। बच्चे की माने तो इस कार को सिर्फ वही चला सकता है क्योंकि उसके अंदर लगे पासवर्ड सिर्फ उसके पास है, यानी एक ऐसा कार जिसे वो खुद आया है और सिर्फ खुद ही चला सकता है। अगर किसी अन्य लोगों को उस कार को चलाने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले उसका आदेश लेना पड़ेगा, तभी उस कार को चलाया जा पाएगा। बच्चों के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों ने भी अपनी कलाओं को तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि इस मैम ने इस तमाम तस्वीरों को बनाया है और खुद के ही हाथ से पेंसिल आर्ट के माध्यम से उस तस्वीरों को बनाया है, साथ ही साथ बच्चों को भी इस ओर आने को प्रेरित करती है। सीखा था थोड़ा जोर से कैसी सीखी और 5 साल का कोर्स भी होता है जो डिप्लोमा वो भी कर सकते। तो बच्चे ने इतना कुछ बनाया, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ी या फिर कहीं यूट्यूब से देखकर बच्चे ने बनाया? नहीं, हेल्प की मैं और सारा मेहनत ये लोग किए हैं, बस मैं डायरेक्शन देते जा रही थी क्या क्या करना है। क्या क्या बनाया बच्चों ने? तो इसमें एक वॉल्केनो बनाया है जो ये दिखाए, फिर एक होम भी बनाए लाइटिंग सिस्टम के साथ ये लोग सारा, उसके बाद एक कूलिंग सिस्टम जो सिंपल मशीन का एग्जाम्पल होता है वो बनाए, फिर एक सोलर सिस्टम बनाया जिसमें प्लैनेट सारा दिखाए, लाइट नहीं होने की वजह से वो चला नहीं पा रहे हैं। आपने बताया कि ट्रेनिंग लिया तो बच्चों को भी पेंटिंग वगैरह कुछ सिखाते हैं? जी जी बिल्कुल, अभी भी होता है इन लोगों का, मैथ्स ऐसे पढ़ाती हूँ और साथ में ड्राइंग क्लास भी करती हूँ। 10वीं के बच्चों के द्वारा ECL कोलफील्ड को भी आकृतियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से कोयले की खुदाई ECL क्षेत्र में होती है और फिर रेलगाड़ी के माध्यम से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। वहीं एक तस्वीर जो बच्चों ने तैयार किया था वो नवप्रभात मिशन का भी तैयार किया था कि उनका स्कूल कैसा दिखता है। 2001 में हुआ था, जो आज 21 वर्ष का विद्यालय अपना पूरा कर रहा है। ये एग्जीबिशन हर साल होता है या इस साल? ये हर साल एग्जीबिशन होता है। विद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर नवप्रभात मिशन स्कूल शुरुआती दौर से ही स्थापना दिवस सप्ताह समारोह मनाते रहा है और उसी क्रम में इस बार भी स्थापना दिवस समारोह हो रहा है जो 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और कल 19 नवंबर को कल्चरल प्रोग्राम के साथ समाप्त होगा। लेकिन 2 वर्ष जो कोरोना का मार हम लोगों को पड़ा वो 2 वर्ष नहीं हो पाया था, बाद बाकी वर्षों में लगातार होता है। 21 वर्ष कितना मुश्किल रहा बच्चों को बनाना, बच्चों को पढ़ाना, या क्या कुछ कठिनाई आई? कोरोना काल में तो काफ़ी कठिनाई आई, बच्चे हम लोगों से बिछड़ गए, हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए अपना भी जो प्रयास था वो किया, लेकिन हमको लगता है उस समय मात्र 25% बच्चे ही ऑनलाइन क्लास कर पाए, रेस्ट जो बच्चे थे यहाँ गरीब बच्चे ज़्यादा हैं, तो गरीब बच्चों के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण वो इससे नहीं जुड़ पाए और उस समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। विद्यालय प्रबंधन के पास जो आर्थिक स्रोत था, जिस स्रोत के माध्यम से हम विद्यालय को चला पाने में सक्षम हो पाते हैं, वो सारा खत्म हो गया। उसके बावजूद भी हमारे जो टीम रहा विद्यालय का, वो टीम हमेशा काम करते रहा और बहुत कठिनाई का सामना नहीं करते हुए भी धीरे धीरे हम लोग आगे। बच्चों के एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? बच्चों के एग्जीबिशन के बारे में मैं मुख्य रूप से ये कहूँगा कि विद्यालय प्रबंधन का हमेशा सोच रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास होने के क्रम में बच्चों में कैसे स्किल डेवलप करें, बच्चे कैसे स्वरोजगार ले पाएँ, बच्चे केवल बुकिस नॉलेज लेकर के बाद में बेरोजगारी का सामना ना करें, इसलिए वैसे चीज़ों को अभी से बच्चों के बीच में डालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी के कारण ये एग्जीबिशन, आप साइंस एग्जीबिशन देख रहे हैं, अभी बच्चे कुछ ऐसे चीज़ बनाए हैं जो हमको लगता है बाद में अगर कुछ काम नहीं मिले तो ऐसा चीज़ बना करके भी वह स्वरोजगार ढूंढ सकता है, ऐसे लजीज भोजन तैयार करके भी अपनी जीविका लोग चला सकता है, ये विद्यालय प्रबंधन का सोच है।